हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वर्ल्ड मैप सीरीज लेक्चर 2। आज हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे हमारा स्ट्रेट है, इस्थमस है, बे है, गल्फ है, पेनिनसुला है, आइलैंड, इन सब को कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट से। स्ट्रेट सबसे पहले कहाँ किसे जाता है? स्ट्रेट क्या हो जाता है? पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट्स टू लैंड बॉडीज। ठीक है, अब ये पैसेज ऑफ वाटर है, ये पानी है, ये पानी है, इनके बीच में छोटा सा नैरो पैसेज ऑफ वाटर है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ऊपर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है। ये रीजन, छोटा वाला रीजन जो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट। अगर ये नहीं होता तो ये पानी इसके साथ नहीं मिलता, और ये लैंड इससे सेपरेट भी नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, हम पूरे को स्ट्रेट नहीं करेंगे, इस छोटे वाले रीजन को जिसको जो लार्ज वाटर बॉडीज को मिला रहा है। और लार्जेस्ट स्ट्रेट कौन सी है इस दुनिया की? वो है मलक्का। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्ट्रेट है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं इस्थमस। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये स्ट्रेट और इस्थमस एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? अगर हम देखें, यहाँ पर दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, लैंड बॉडीज आपस में क्या हो रही हैं? सेपरेट हो रही हैं। मगर इस्थमस क्या करता है? दो लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है और वाटर बॉडीज को क्या करता है? सेपरेट करता है। देखते हैं हम, आपने देखा होगा पनामा, पनामा कैनाल बहुत बड़ा इस्थमस है, दुनिया का फेमस इस्थमस भी वही है। ये देखें, ये हमारा पानी है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, यहाँ पर भी पानी है, ये हमारा लैंड है, ये भी लैंड है। अब ये जो बीच वाला रीजन है ना, इस लैंड को इस लैंड के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं इस्थमस। मीन वहाँ पर क्या कर रहा था? पानी एक दूसरे बड़े शिमाल जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर थी, वो टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को कनेक्ट कर रही थी। यहाँ पर क्या है? दो लैंड को आपस में कनेक्ट कर रही है, छोटी जो लैंड की एक एरिया है। ठीक, तो अब इस रीजन को हम कहते हैं हम क्या? इस्थमस। और फेमस जो इस्थमस है हमारा, वो पनामा इस्थमस है। आप देख रहे होंगे कि दो, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को वो ही कनेक्ट करता है। ठीक, अब एट अ पॉइंट पनामा स्ट्रेट भी है, इस्थमस भी है। आप वो इमेज ऊपर जो आ रही है उसमें आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें नजर आएंगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्रीक, गल्फ, बे और बाइट में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि क्रीक होता क्या है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्रीक, सर क्रीक पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इशू है। अब क्रीक क्या होता है? नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर इनसाइड लैंड। नैरो का मतलब ये नहीं कि बहुत ही छोटा होता है, हम कहने में जो इनकी डेफिनेशन के मुताबिक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर इनसाइड लैंड है। आप लोगों को पता होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो समंदर है हमारी ज़मीन को खा रहा है, मगर ये जो हमारा स्ट्रिप नज़र आ रही है ये डेप्थ में नहीं है, ऑन सरफेस है। ये पानी है, इसके तीन साइड पे क्या है? लैंड है। बे हो, गल्फ हो, क्रीक हो, बाइट हो, इन तीनों में एक ही कंडीशन है, इनके तीन साइड से लैंड होती है, सिर्फ एक साइड से पानी होता है, मगर उनकी जो एरिया है उनका डिफरेंस होता है। क्रीक की जो एरिया है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। ऐसा समझिए कि इनके बीच में जो बीच वाला स्पेस है ना, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्रीक कहते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर इनसाइड लैंड। ये हमारी लैंड है, इसके बीच अंदर जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रीक। ठीक है, उसके बाद है गल्फ। गल्फ भी सेम जैसे ये क्रीक में तीन साइड से क्या है? लैंड है, इसमें भी तीन साइड से लैंड होता है, मगर देखें ये क्रीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जैसे ही जाएगा वो गल्फ बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये छोटा था, ये बड़ा हो गया। ठीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़ा हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड, मीन तीन साइड से लैंड है, एक साइड से पानी है। और दुनिया का लार्जेस्ट जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये MCQ आता है कि लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है। ठीक है, ठीक है, LG लिख रहा हूँ, मीन लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो एटलांटिक ओशन में है। ये हमसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है। उसके बाद है बे। ठीक है, आप लोग कहेंगे बे और गल्फ में क्या फ़र्क है? ये गल्फ ही होता है, पहले छोटा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे पानी ज़मीन को खाता जाता है तो उसके ये जो है ना एरिया बढ़ जाता है, मगर गल्फ और बे में इतना डिफरेंस है। यहाँ पर देखें इसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू जो गल्फ है उसकी बड़ी है। यहाँ पर बे की जो एंडिंग पॉइंट है बहुत बड़ी होती है। देखें यहाँ पर ये कर्व्ड है, आपस में मिल रहा है। ठीक है, ये आपस में मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं मिलता। उसके अलावा इसकी ओपनिंग छोटी है, इसकी
इसकी ओपनिंग बड़ी है, इतना फ़र्क होता है बे और गल्फ में। बाकी इनकी डेफिनेशन सेम ही होती है, यहाँ पर तीन साइड से लैंड, एक साइड से पानी, ठीक। और लार्जेस्ट जो गल्फ है वो है हमारा बे, सॉरी लार्जेस्ट जो हमारा बे है, बे ऑफ बंगाल है, जो इंडियन ओशन में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल पहले हम कहते थे भाई लार्जेस्ट बे है हडसन बे, मगर अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफी 2021 में उन्होंने डिस्कवरी की है कि जो एरिया है ना बंगाल का, बे ऑफ बंगाल उसका बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हडसन बे, ये इंडियन ओशन में। उसके अलावा है बाइट, बाइट वैसे ही जैसे आप एप्पल को बाइट करते हैं ना, सेम यही शेप बन जाता है, और पूरी दुनिया में एक ही बाइट है, मीन ये बे से बहुत बड़ा होता है, हद से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और दुनिया में एक ही बाइट है जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो ऑस्ट्रेलिया के हमें साउथ में नज़र आता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब हम देखेंगे इन चारों के साथ क्रेग, गल्फ, बे, बाइट, इनके अलावा दो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जो है हम कवर करेंगे पेनिनसुला आइलैंड आर्किपेलागो को। पहले हम देखा था गल्फ में, बे में, बाइट में, क्रीक में क्या था, तीन साइड से लैंड थी, एक साइड से पानी था, मगर यहाँ पर पेनिनसुला में उसको अपोजिट है। कभी कभी पूछा जाता है कि पेनिनसुला इज अपोजिट ऑफ गल्फ हो या बे हो, तो पेनिनसुला उसका अपोजिट है। इसमें तीन साइड से क्या है, वाटर है, और एक साइड से लैंड हो, जहाँ पर भी आपको नज़र आए तीन साइड से वाटर नज़र आए और एक साइड से आपको लैंड नज़र आए, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इटालियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, आपको आपने बहुत सारे सुने होते हैं, मगर उसमें क्या होता है, मीन लैंड होती है एक साइड से और तीन साइड से उसको पानी होता है। और दुनिया का लार्जेस्ट जो पेनिनसुला है वो है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें सऊदी अरेबिया, ये ओमान, यूएई सारे इसमें आते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुला, और जीसीसी कंट्री सारे इसमें ही आते हैं, ठीक। उसके बाद है आइलैंड, आइलैंड और पेनिनसुला में ये फ़र्क है कि आइलैंड के चारों तरफ से पानी होता है और पेनिनसुला की तीन तरफ से पानी होता है, मीन कोई भी ज़मीन जिसके चारों तरफ से पानी आ जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, ठीक। और जो लार्जेस्ट आइलैंड है इस दुनिया का, ठीक है, एलआई लिख रहा हूँ, मीन लार्जेस्ट आइलैंड वो है ग्रीनलैंड, ठीक। ग्रीनलैंड एक कंट्री नहीं है, वो पार्ट है डेनमार्क का, याद रखना, ठीक। और सिमालेस्ट आइलैंड है जो हमारा, वो हमें बताया जाता है कि हब आइलैंड है। अब उसके बाद ये था एक आइलैंड, जब दो तीन आइलैंड आपस में इकट्ठे हों किसी भी जगह पर ना, उसको हम कहते हैं आर्किपेलागो, मीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है, इंडोनेशिया। ये देखें, ये एक आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड, ऐसे में आपस में आइलैंड इकट्ठे हों उनको हम आर्किपेलागो कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है इंडोनेशिया, मीन ये बहुत सारे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, होप ये समझ आ गया होगा। अभी मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने कहा था लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जो रिवर है ना, बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही तकलीफ होती है, तो अभी मैं वो आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर हम किसको कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट को, कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट बाय लेंथ है वो है नील रिवर, नील रिवर की लेंथ सबसे ज़्यादा है जितने भी दुनिया के रिवर हैं। अगर हम कहें ये फर्स्ट है, तो सेकंड कौन सा है, सेकंड जो लॉन्गेस्ट हमारा जो रिवर है वो है हमारा अमेज़न रिवर, ठीक है। इसकी लेंथ है, इस नील के बाद सेकंड जो लॉन्गेस्ट है ना वो हमारा अमेज़न है। कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉन्गेस्ट में सिर्फ हम लेंथ देखते हैं, जब हम लार्जेस्ट की बात करेंगे तो उसमें हम वॉल्यूम देखेंगे कि उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है। सपोज टू बी ये नील है, इसकी जब यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही कम वाटर की है, और जो अमेज़न है इससे बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये विड्थ में बड़ा है, तो विड्थ बड़ी होने की वजह से इसको हम लार्जेस्ट कहते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट जो हमारा रिवर है वो अमेज़न है, ठीक है। नील रिवर हमें अफ्रीका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, ये मोस्टली ब्राज़ील कंट्री में। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो हमसे पूछा जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का, ठीक है, वो है लॉन्गेस्ट रिवर है यंगजी रिवर, ठीक। ये मौजूद कहाँ पर है, चाइना में मौजूद है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र, अगर आप पाकिस्तान का हैं
पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है हमारा इंडस रिवर, ठीक, लॉन्गेस्ट में यही है, लार्जेस्ट में यही है, और स्मॉलेस्ट पाकिस्तान का जो रिवर है वो है रावी, ठीक है। होप इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में और ही अच्छे जार्गन्स वर्ल्ड मैप के कवर करेंगे, जैसे हमारा हो गया लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ठीक है, पोल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हम जीएम ग्रीन ग्रीनविच मीन टाइम, हम किसी भी कंट्री की लोकेशन या टाइम, अब वहाँ पर क्या टाइम जोन है, ये कंट्री कहाँ लाइक करती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।